हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टी टेन स्टडी पर। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल का क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। आपके एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा। यदि आपने क्वेश्चन बैंक देखा होगा प्रीवियस ईयर का, तो उसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चंस को देख पाएँ। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने टोटल 6 फार्मूला लिखा है, ठीक है, जिसमें से पहला फार्मूला है वी इज़ इक्वल टू आई आर। ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ा होगा तो वी इज़ इक्वल टू आई आर आपने उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ से आप दो फार्मूला और क्रिएट कर सकते हैं। आई को इधर ही छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, आई इज़ इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा, या आर को छोड़ दीजिए तो आर इज़ इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, या ऐसे भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक पढ़ा होगा आई इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा होगा P इज़ इक्वल टू वी आई। देखिए, यहाँ पर ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये अलग अलग क्वेश्चंस में रिलेट होंगे। या तो आपका, अगर मान लेते हैं कि P यहाँ पर क्या दिया गया, पावर दिया गया है, ठीक है, पावर विभवांतर और करंट के बीच रिलेशन दिया जाएगा तो आप ये फार्मूला लगाओगे। और अगर मान लीजिए कि पावर, ठीक है, विभवांतर और प्रतिरोध के बीच रिलेशन दिया जाए तो आप ये फार्मूला लगाओगे। और अगर मान लीजिए कि पावर और विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच रिलेशन दिया जाएगा तो आप ये फार्मूला लगाओगे, यानी कि P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, चौथा फार्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आपका हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड है। यदि हीट पूछ लेता है, एस फोर हो गया हीट, ठीक है, अगर हीट पूछ लेता है और वहाँ पर आपका अगर विद्युत धारा, रेसिस्टेंस और टाइम दे दिया गया है तो आप इस फार्मूला का यूज़ करके आसानी से बना सकते हैं। पांचवा फार्मूला है आपका रेसिस्टेंस से रिलेटेड। आपसे कोई भी प्रतिरोध दे देगा, 4-5 कोई भी प्रतिरोध दे देगा और कहेगा यदि कि श्रेणी क्रम में संयोजित है तब समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो आप ये फार्मूला लगाओगे। और यदि कह लेगा कि समानांतर क्रम में है तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, ये फार्मूला लगाओगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि ये है 1/R इक्विवेलेंट। आपका जो भी लास्ट में सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा उसको क्या कीजिएगा, R इक्विवेलेंट के कर दीजिएगा, यानी कि जो आंसर आएगा उसको पलट दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है एक परिपथ में 33 ओम का प्रतिरोध 2 एम्पीयर विद्युत धारा होता है, इस प्रतिरोध के समीप वोल्टेज का मान क्या होगा। ठीक है, आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस मिलता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस में दिया क्या 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 है। तो यहाँ पर आपसे दे दिया गया है रेसिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध कितना दे दिया गया है, 33 ओम दे दिया गया है। ठीक, और उसके बाद क्या दे दिया गया है, 2 एम्पीयर विद्युत धारा, यानी कि आई दे दिया गया है आपसे, आपका कितना, 2 एम्पीयर। पूछा क्या जा रहा है, वोल्टेज, यानी कि वी पूछा जा रहा है। तो मैंने जो भी फार्मूला बताया उसमें आप देख सकते हैं कि आर, वी और आई में क्या रिलेशन था। तो ओम्स लॉ के हिसाब से आपने क्या पढ़ा था, वी इज़ इक्वल टू आई आर, क्या पढ़ा था, वी इज़ इक्वल टू आई आर। ठीक है, वी आपसे पूछा गया है, आई का वैल्यू आपको दे गया है 2 और आर का वैल्यू दे दिया गया है 33। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 33 × 66, और वोल्ट यानी कि 66 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक लैंप को जब 60 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तब वह 5 एम्पीयर की धारा लेता है, तो लैंप का प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या दे दिया गया, वोल्ट दे दिया गया, मतलब वी इज़ इक्वल टू कितना है, 60 वोल्ट। उसके बाद 5 एम्पीयर की विद्युत धारा, यानी कि आई इज़ इक्वल टू 5 एम्पीयर। ठीक है, और पूछा क्या गया है, प्रतिरोध, यानी कि आर इज़ इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो आपका वी आई आर में क्या रिलेशन होता है, आपको पता है वी आई आर में रिलेशन होता है वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, दिया गया है वी, वी कितना है, 60 इज इक्वल टू, आई दे दिया गया है 5, पूछ लिया गया है आर, तो 5 से इसको कट दीजिए, कितने टर्म में जाएगा, 12 टर्म में चला जाएगा, है ना, 12 × 5 = 60, यानी कि 12 इज इक्वल टू आर, यानी कि 12 ओम इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मैंने जो भी चीज़ें बताया आप लोगों को समझ में आया गया होगा। अगला है, अगर सर्किट में 100 सेकंड में 500 कूलम आवेश का प्रवाह होता है तो सर्किट में धारा का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या दे दिया गया है, सर्किट में 100 सेकंड यानी कि टाइम आपका दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 100 सेकेंड, और कूलम, कूलम बोले तो आवेश, यानी कि क्यू कितना दे दिया गया है आपसे,
500। ठीक है, पूछा क्या गया है तो सर्किट में धारा का मान क्या होगा, आई पूछ लिया गया है। ठीक है, मतलब अब आपको देखना है कि आई क्यू और टी में क्या रिलेशन होता है। हमने जो फॉर्मूला बताया उसमें क्या था, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 500। ठीक है, और टी का वैल्यू दिया गया है 100। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक चालक में 18 एम्पियर की धारा आधे मिनट के लिए बहती है, तो उतने समय में चालक के भीतर प्रवाहित कुल आवेश क्या होगा। अब देखिए इसमें भी क्या क्या दे दिया गया है, 18 एम्पियर, एम्पियर बोले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू आई, तो आई इज इक्वल टू कितना दे दिया गया, 18 एम्पियर। ठीक है, और क्या दे दिया गया, आधा मिनट यानी कि टाइम दे दिया गया आपका। तो आधा मिनट कहने का मतलब क्या होता है, 30 सेकंड, क्योंकि एक मिनट में होता है आपका 60 सेकंड, तो आधा मिनट मतलब 30 सेकंड। ठीक है, तो 30 सेकंड आपका टाइमिंग दे दिया गया है। देखिए मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम सारा ऐसा यूनिट पुट कर रहे हैं, तो टाइम भी हमारा ऐसा यूनिट में होना चाहिए। पूछा क्या गया है, प्रवाहित कुल आवेश मतलब क्यू पूछ लिया गया है, क्यू इज इक्वल टू वॉट। तो अभी हमने क्या कहा, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, आई का वैल्यू दे दिया है कितना, 18। क्यू हमें निकालना है, तो क्यू अपॉन और टी का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 30, है ना, यानी कि 30 सेकंड, क्यू का वैल्यू इतना दे दिया गया है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बराबर के अपॉन, बराबर के बाद है क्यू अपॉन 30, तो 30 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 18 × 30 इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 540 क्यू। 18 × 54 कितना हो जाएगा, 18 × 54 और एक जीरो है तो 540 कूलम्ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, एक विद्युत स्त्री 500 वॉट और 100 वोल्ट अंकित है स्त्री पर। ठीक है, तो कह रहा है कि इससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा। देखिए इसमें दिया क्या क्या गया है, 500 वाट दिया गया है। वाट का किसका ऐसा यूनिट होता है, शक्ति का यानी कि पावर का। तो पी इज इक्वल टू दे दिया गया 500 वाट। ठीक है, वी दे दिया गया है कितना, 100। वी इज इक्वल टू 100 और पूछा क्या गया है, धारा I इज इक्वल टू वॉट। तो आपको ध्यान में रखना है कि पी वी आई में क्या रिलेशन होता है। तो मैंने बताया था तीन फॉर्मूला एक साथ करके, पी वी आई में क्या रिलेशन होता है, पी इज इक्वल टू होता है वी आई, पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो पी आपका दे दिया गया है 500, 500 इज इक्वल टू, वी का वैल्यू दिया गया है 100 इंटू आई। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आई का वैल्यू 5 एम्पियर आ जाएगा आपका, आई का वैल्यू, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक विद्युत स्त्री पर 250 वॉट 100 वोल्ट अंकित है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, दे दिया गया है आपको पी दे दिया गया है। ठीक है, पी कितना दे दिया गया है, 250। ठीक, और विभवांतर क्या दे दिया गया है, वी इज इक्वल टू 100 दे दिया। ठीक है, और आपसे पूछा गया आर, तो पी वी आर में क्या रिलेशन होता है। मैंने अभी आपको बताया था पी वी आर में क्या रिलेशन होता है, तो पी इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यही होता है, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आप इस पर क्या करो, इसको डाल दो। ठीक, पी का वैल्यू दे दिया गया 250, तो आप लिख दो 250 इज इक्वल टू, वी का वैल्यू है 100, 100 स्क्वायर है मतलब कि दो बार गुना होगा 100 का, यानी 100 × 100। ठीक है, और ओपन में आर। अब देखिए जीरो से आप ये एक जीरो काट सकते हैं, और 25 से आप इसको चार बार में काट सकते हैं, 25 × 100 बचा कितना आपका, 10 और 4, तो इसको गुना करेंगे कितना बचा, 10 और 4, तो यह हो जाएगा 10 × 40 ओम, कितना हो जाएगा, 40 ओम, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 200 ओम है और 1 एम्पियर की धारा लेता है, तो इसकी शक्ति क्या होगा। ठीक है, दिया क्या क्या गया, अब से रेसिस्टेंस दे दिया गया, आर दे दिया गया 200 ओम। ठीक है, और धारा कितना दे दिया गया, 1 एम्पियर, यानी कि आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, पूछा गया है शक्ति यानी कि पी इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो पी आई और आर में क्या रिलेशन है, मैंने अभी बताया था आपको क्या रिलेशन है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, क्या होता है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब इस पर आप डाल दीजिए, आई का वैल्यू दिया है गया है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, और इनटू आर, आर हो गया 200। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा,
200 वॉट, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 10 ओम एक विद्युत स्त्री 5 एम्पियर की धारा लेता है तो 10 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। ठीक है, क्या क्या दे दिया गया, ओम दे दिया गया, यानी कि आर आपका दे दिया गया है 10 ओम। ठीक है, 5 एम्पियर की धारा यानी आई दे दिया गया आपका 5 एम्पियर, और टाइम दे दिया गया 10 सेकंड। टाइम क्या दे दिया गया, 10 सेकंड, और पूछ रहा है ऊष्मा, ऊष्मा बोले तो हीट, तो एच इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो मैंने एच आई आर और टी के बीच में क्या रिलेशन बताया, मैंने अभी बताया था क्या, एच इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, यही बताया था ना, एच स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी। अब इस फॉर्मूले पर डाल दीजिए, आई का वैल्यू दे दिया गया 5। ठीक है, यानी 5 का मतलब क्या हो गया, 5 × 5। ठीक है, और आर का वैल्यू हो गया आपका 10, आर का वैल्यू 10, और टी का वैल्यू कितना हो गया, टी का वैल्यू भी आपका 10 ही दिया गया है, है ना, 10 सेकंड था तो 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 × 5 = 25, और इस पर कितना आ जाएगा, सॉरी आई स्क्वायर है ना, तो 5 × 5 = 25। ठीक है, और इसका गुना होकर कितना आ जाएगा, 2500, कितना आ जाएगा, 2500। अब यहाँ कह रहा है कि किलो जूल में ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो किलो जूल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो आंसर आया है आपका जूल में आया है, 2500 जूल। ठीक है, और किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो जब आप इसको 1000 से भाग देंगे, ठीक है, तो आपके सामने क्या वैल्यू आएगा, कट करके ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, बच गया आपका 2.5 किलो जूल इसका करेक्ट आंसर, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगर 3 ओम 4 ओम 5 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, श्रेणी क्रम मैंने बताया था, अगर श्रेणी क्रम पूछ ले आर समतुल्य का, आर इक्विवेलेंट का, तो आप क्या करोगे, जितना भी प्रतिरोध दिया गया है सबको जोड़ लोगे, R1 + R2 + मान लेते हैं इसका आगे और प्रतिरोध रहता है तो सबको ऐड कर लेते हैं सीधा सिंपली। ठीक है, तो 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 7 और 5 = 12 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगर 12 ओम 15 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध का मैंने क्या बताया था, 1 R इक्विवेलेंट = 1 R1 + 1 R2 है ना, +1 R3 करके बताया था, यही बताया था ना। आप इस फॉर्मूले पर इसको डालो, R1 का वैल्यू दे दिया गया 12 ओम, R2 का वैल्यू दे दिया गया 15 और R3 का दे दिया गया 20 ओम। ठीक है, तो आप इसको इस पर डालोगे तो क्या जाएगा, 1 upon 12 + 1 upon 15 + 1 upon 20। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 12 × 5 = 60 आता है तो 5 + 15 = 60 आता है, 4 + 20 = 60 आता है तो 3। ठीक है, तो 5, 4, 9 और 3 = 12/60 आ गया, कितना आ गया, 12/60, मैं रफ कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, 12/60 आएगा, यानी कि 1 upon R equivalent = कितना आ गया, 12/60। जब इसको आप काटोगे तो क्या आएगा, 1/5 आएगा ना, 12/5 = 60, 1/5 आएगा। तो मैंने क्या बताया था कि ये 1 upon R equivalent आया है, तो R equivalent करने के लिए जब इसको पलटोगे तो इसको भी आपको पलटना पड़ेगा, यानी कि 5 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से बताया है, आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो आपको एक भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। जिस भी क्वेश्चन को मैंने बताया है अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर पाओगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताओगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, फ्रेंड सर्कल सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, और यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।